तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉइड टीवी में एंड्रॉइड मोबाइल को कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो गाइस हम कई सारे जो मोबाइल को यूज करते हैं लेकिन इसी मोबाइल को हमें एंड्रॉइड टीवी में कनेक्ट करके उसमें चलाना है तो वही आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो गाइस जो जितना प्रोसेस है तो सभी प्रोसेस आज के वीडियो में आपको कम्प्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस हमारा जो एंड्रॉइड टीवी है तो एंड्रॉइड टीवी में हमें मोबाइल को कनेक्ट करके उसमें चलाना है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि एंड्रॉइड टीवी को मैंने ऑन कर दिया है और इस हमारा जो एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि मोबाइल को यहाँ पे मैंने रख दिया है तो मोबाइल की पूरी स्क्रीन है वह में एंड्रॉइड टीवी में चलाना है। तो आपको सबसे पहले जो एंड्रॉइड टीवी होता है तो टीवी में कई सारे जो ऑप्शन आता है तो वही आपको ओपन करके कर देना है। तो चलो मैं सबसे पहले जो हमारा पास एंड्रॉइड टीवी है तो उसमें जो किट लिंक का एक ऐप है वही मैं ओपन कर देता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी कंपनी का उसमें ऐप होता है वही हमारा आता है। तो वही मैंने किट लिंक पे क्लिक कर दिया है और इस जो ऐप है हमारा एंड्रॉइड टीवी में यहाँ पे डिवाइस का नाम भी शो हो रहा है तो इस तरह मैंने ओपन कर दिया है। और ओपन करके आपको एंड्रॉइड मोबाइल है तो उसको आपको ओपन करना है और उसमें आपको जो स्क्रीन मिरर होता है वही आपको ओपन कर देना है। तो चल मैं मोबाइल में स्क्रीन कास्ट को ओपन कर दिया है लेकिन मोबाइल में आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और आपको वाईफाई पे क्लिक कर देना है क्योंकि वाईफाई आपका मोबाइल में ऑन होना चाहिए। और यहाँ पे आपको स्क्रीन कास्ट है वही आपको ओपन कर देना है और आपका जो डिवाइस का नाम है यानी कि एंड्रॉइड टीवी है यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा मोबाइल में एंड्रॉइड टीवी है यहाँ पे शो होने लग गया है। तो चलिए आपको इस तरह वेट करना है और कुछ ही देर के बाद आपका मोबाइल है यहाँ पे एंड्रॉइड टीवी में कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका मोबाइल की पूरी स्क्रीन है यहाँ पे टीवी में शो हो जाएगा। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से हमारा मोबाइल है यहाँ पे हमारा टीवी में शो हो गया है। जो भी हमने कनेक्ट किया है वह हमने वाईफाई से ही कनेक्ट किया है तो आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको आसान तरीके वाईफाई से मोबाइल को एंड्रॉइड टीवी में चला सकते हो लेकिन आपको यूट्यूब को चलाना है तब आपका मोबाइल में डेटा को ऑन करके यूट्यूब भी चला सकते हो। तो सही से मोबाइल की पूरी स्क्रीन है यहाँ पे हमारा टीवी में शो हो रहा है। तो चलो मैं किसी भी वीडियो को प्ले करता हूँ कि सही से हमारा वीडियो प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइस अभी देख लीजिए कि यहाँ पे मोबाइल में मैंने वीडियो को प्ले कर दिया है तो सही से हमारा टीवी में जो स्क्रीन है यहाँ पे मोबाइल की शो हो रहा है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से इस तरह आपको किसी भी वीडियो को देखना है तो आपका मोबाइल में प्ले करके जो टीवी में वीडियो देख सकते हो। तो सही से हमारा वीडियो है यहाँ पे हमारा प्ले हो गया है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि आपको क्वालिटी को ज़्यादा करना है तो आपका मोबाइल के सेटिंग है वीडियो में इस तरह आपको क्वालिटी पे क्लिक करके जो आपको एडवांस पे क्लिक करके जो क्वालिटी है आपके हिसाब से उसमें सेट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा दिखना है क्वालिटी में तो इस तरह आपको क्वालिटी चेंज करके टीवी में HD में कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि सही से मोबाइल की पूरी स्क्रीन है यहाँ पे हमारा टीवी में शो हो रहा है। तो इस तरह आपको वीडियो को प्ले करके देखना है तो आसान तरीके यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो। तो सही से हमारा मोबाइल की पूरी स्क्रीन है वही हमारा एंड्रॉइड टीवी में शो हो रहा है यानी कि पूरा वीडियो है यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो इस तरह आपको किसी भी मूवी देखना है तो मोबाइल में प्ले करके टीवी में आसान तरीके स्क्रीन मिरर करके यहाँ पे देख सकते हो। तो भी देख लीजिए कि कई सारे मोबाइल में ऐप है वही हमारा टीवी में भी शो हो रहा है यानी कि मोबाइल की पूरी स्क्रीन है यहाँ पे हमारा टीवी में शो हो रहा है। तो आपको आसान तरीके इस तरह मोबाइल की पूरी स्क्रीन टीवी में देखना है यानी कि एंड्रॉइड टीवी में चलाना है तो आपको आसान तरीके यहाँ पे चला सकते हो। क्लोज करना है तो आपको स्क्रीन कास्ट को ऑफ कर देना है तो आपका मोबाइल की स्क्रीन है यहाँ पे टीवी में ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह आपको एंड्रॉइड टीवी में एंड्रॉइड मोबाइल को कनेक्ट करके चलाना है तो इस तरह आपको आसान तरीके कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चल मिलते नेक्स्ट वीडियो।